हरियाणा के चरखी दादरी के कई युवकों ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना खत्म करने की अपील की है। ये योजना सेना में कम समय की भर्ती के लिए लाई गई थी। ये योजना 17.5 से 21 साल के युवाओं के लिए है। इस योजना में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होती है। 4 साल बाद 25% रंगरूटों की नौकरी 15 साल और बढ़ाई जा सकती है। सेना में शामिल होने की चाहत रखने वाले कई युवकों का कहना है कि सरकार को पुरानी प्रणाली पर लौटना चाहिए, जिसमें लंबे समय के लिए नियमित भर्तियां होती थीं। 4 साल की उसमें भर्ती में अग्निवीर में कोई फायदा भी नहीं है। वहाँ पर जाते हैं, 4 साल करके यहाँ पर आएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, नई नौकरी मिलेगी आगे तो गुंडागर्दी ही करेंगे। राहुल गांधी ने बोला कि भाई 4 साल की नौकरी को इसको हटा के 15 साल की जाए। 4 साल की अग्निवीर की भर्ती कर दी है तो मैं चाहती हूँ कि परमानेंट कर दी जाए, या फिर 15 साल की तो लगभग आर्मी की भर्ती कर दी जाए। अब वो 4 साल की नौकरी हो गई है तो इससे ना अपराध भी बढ़ता है कि वहाँ पे जाते हैं अनुशासन भी बिल्कुल नहीं है, कि वो सोचते हैं कि 4 साल की नौकरी है, कुछ नहीं है, 4 साल में करके चले जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद क्या पता उन्हें चोट लग जाए वहाँ पे आर्मी में, तो इधर वो कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने 15 साल की कर देनी चाहिए। हाल ही में संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस योजना का मुद्दा उठाया था। उसके बाद योजना को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। 4 साल नौकरी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद गुंडागर्दी करेंगे। राहुल गांधी ने जो मुद्दा होता था वो सही था। जो प्रधानमंत्री हैं अपनी पेंशन तो कटवाते नहीं हैं, और अग्निवीर की पेंशन भी खत्म कर दी है, और मेडिकल सुविधा भी खत्म कर दी। इस योजना में 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 75% अग्निवीरों को वित्तीय पैकेज के साथ विदा कर दिया जाता है। पैकेज में एक मुश्त राशि और कुछ दूसरे फायदे होते हैं। अग्निवीर को पेंशन नहीं दिया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।